शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। के पास जा रहे हैं। हे भगवान, कहीं वो उसे उल्टी पट्टी पढ़ाकर बनी बनाई बात ना बिगाड़ दे। तुम्हें एटलीस्ट मुझे कि सब कुछ नॉर्मल है दिखाने की जरूरत नहीं है नियति। मैं जानता हूं तुम पर क्या बीत रही है और ये भी जानता हूं कि ये सब तुम्हारी मर्जी के खिलाफ हो रहा है। मैं मां को समझाऊंगा और तब तक समझाता रहूंगा जब तक कि मां मेरी बात नहीं समझ जाती। तुम ये बिल्कुल भी मत समझना कि अंबर के जाने के बाद तुम अकेली हो गई हो। इस घर में कोई तुम्हारा साथ दे या ना दे, लेकिन मैं तुम्हारा बड़ा भाई हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। मैं तो बस ये कहने आया था कि जब तक तुम्हारा दिल नहीं मानता ये शादी नहीं होगी नियति। सच भैया, ये बात कहकर भैया आपने आपने मुझे नया हौसला दिया है। सच में मैं बहुत अकेली हो गई थी। नियति, तुम अपने समीर भैया के होते कैसे अकेली हो सकती हो पगली? मैंने अभी तो कहा तुमसे कि मैं हमेशा तुम्हारी हर बात पर तुम्हारा साथ दूंगा। इतना तो विश्वास है ना मुझ पर कि नहीं है? अब शंभू काका, चाय मैं ले जाती हूँ साहब के लिए। सेठ, ऑब्वियसली ऑफिस जाना है। जाना तो है, लेकिन तुम्हें इतनी जल्दी क्या लगी रहती है तैयार हो जाने की? अरे सुबह जल्दी उठ जाता हूँ, जल्दी रेडी हो जाता हूँ ताकि जल्दी ऑफिस पहुंच जाऊं। सिंपल। या तो फिर ऑफिस से भी जल्दी घर क्यों नहीं आ जाती हो? इट्स नॉट पॉसिबल माय डियर। अच्छा ये बताओ तबीयत कैसी है? तुम बताओ कैसे लग रहा हूँ? लग तो ठीक है। तो फिर बस। अच्छा सुनो, चाय पियो। तुम भी पियो ना मेरे साथ। जी नहीं, मुझे तुम्हारी तरह ये सुबह सुबह चाय पीने की बैड हैबिट नहीं है। जब तक चाय ना पियो ना सुबह सुबह, लगता ही नहीं कि दिन की शुरुआत हुई है। मुझे लगता है शादी के बाद सबसे पहले तुम्हारी ये बैड हैबिट चेंज करनी पड़ेगी। शादी के बाद मेरी ये बैड हैबिट बदलती है या तुम्हें बैड हैबिट लगती है देखेंगे। तो पी लो पी लो। शंभू काका। लेकिन सेठ, मुझे क्यों लगी? मेरी बात सुनो सेठ। Thank you.
आवाज तो आकाश के कमरे से आ रही है। देखता हूं। आकाश? आकाश? फोन तो लगातार बज रहा है और आकाश है नहीं कमरे में। हो सकता है बाथरूम में गया। एक काम करता हूं, मैं ही उठा लेता हूं, ये ठीक रहेगा। अरे आकाश, अरे भाई तुम्हारा फोन लगातार बजे जा रहा था। पूरे घर को इसने सर पे उठा दिया था। तुम थे कहां? मैं नहा रहा था ना। जब तुम नहाते हो ना तो पूरा एक घंटा लगाते हो। कैसी बातें कर रहे हो। देखो तो सही, फोन किसका था, कब से बज रहा था। जब तुम नहा रहे थे ना, एटलीस्ट 10 मिस कॉल तो होंगी। आई एम टेलिंग यू। देखो किसका है? ऑफिस है भैया, मुझे और कौन फोन करेगा। ओहो, ऑफिस से? 100% इमरजेंसी होगी, इंपॉर्टेंट कॉल जरूर होगा। करो फोन लगाओ। मैं कर लूंगा भैया। ठीक है भाई, हमारे सामने बात नहीं करना चाहते तुम। ऐसी बात है तो चले जाते हैं हम, कोई बात नहीं। भैया अभी कैसी बातें कर रहे हैं, आप तो मेरे भाई हैं। आपके सामने क्या मुझे क्या प्रॉब्लम होगी? ऑफिस से फोन हो या कहीं से भी हो, मुझे क्या प्रॉब्लम होगी? और वैसे भी मेरे पास है ही क्या छुपाने के लिए। तुम्हें क्या लगता है, तुम अपनी सच्चाई मुझसे छुपा सकते हो? मुझे साफ साफ नजर आ रहा है तुम्हारे चेहरे पे क्या लिखा है। तुम्हें छुट्टी चाहिए और तुम्हें बहाना नहीं सूझ रहा। अरे हमसे पूछो हम किस दिन काम आएंगे। अरे भैया जब मुझे दुकान बुलाने के लिए जिद करते थे ना और मुझे छुट्टी चाहिए होती थी, 100 बहाने थे मेरे पास। लाओ लाओ मुझे बताओ, मैं बात करता हूँ, बहाने मैं बोलता हूँ, मैं बहाना बनाता हूँ। अरे मैं तुम्हारे बड़े भाई जैसा हूँ। तुम्हारे बड़े भाई? बॉस 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 हेलो, गुड मॉर्निंग सर। सॉरी सर, वो मैं फोन नहीं उठा पाया, मैं बाथरूम में था। व्हाट? ओह नो, क्या चेन्नई में? ठीक है सर, तो मतलब आज ऑफिस नहीं आना ना? ठीक है, छुट्टी मिल गई जी। अरे ये अच्छा हुआ। पर हुआ क्या भैया? वो हमारे ऑफिस का ना एक पार्टनर चेन्नई में था। हाँ। उसकी डेथ हो गई। कैसे मरा? रहने दीजिए भैया। रहने? ऐसे कैसे? बताओ तो सही, मरा कैसे? अब आप इतना कह रहे हैं तो बता देता हूँ भैया। वो ना एक होटल में रुका हुआ था और वो अपने कुलीग के रूम में घुस गया और उसका फोन बज रहा था और वो था नहीं, तो उसने सोचा कि मैं उठा लेता हूँ। और वो जैसे ही फोन उठाने गया ना, वो फोन ब्लास्ट हो गया। कभी किसी दूसरे का फोन नहीं उठाना चाहिए। अरे काम से याद आया यार, मुझे माँ ने भेजा था पंडित जी से मिलने, अब मैं तुमसे बात करने में बिजी हो गया। शादी का मुहूर्त निकलवाना है मुझे भैया। अरे शर्मा रहे हो? तो भाई मैं तो जाता हूँ पंडित जी के पास में। तुम इंजॉय करो अपनी हॉलीडे। ओके बाय। साला फोन फोन करके पीछे ही पड़ गया। आज तो भगवान ने बाल बाल बचा लिया। मुझे वैशु का नंबर किसी और नाम से सेव करना पड़ेगा, वरना कभी ना कभी तो फंस जाएगा आकाश।
नियति जी, नियति जी प्लीज डोंट माइंड, वो मैं मॉम को ना नहीं बोल पाया, लेकिन मैंने उनसे साफ साफ कह दिया कि अगर नियति जी हाँ करेगी तो ही ये रिश्ता होगा, वरना नहीं। और कुछ? बस यही कहना था आपसे, ताकि आप मुझे गलत ना समझे, एक छोटी सी ख्वाहिश और थी। इस रिश्ते की कामयाबी के लिए मैं भगवान का आशीर्वाद लेने के लिए मंदिर जा रहा था, अगर आप साथ चले तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मुझे लगता है कि हमें आशीर्वाद तो किसी भी मंदिर में मिल सकता है, हमारे घर में भी मंदिर है, पापा की बहुत सुंदर मूर्ति भी है। तो फिर मैं भी घर के भगवान से आशीर्वाद ले लेता हूँ। आप चल रही है ना? कोई फायदा नहीं है, पापा ने मेरी प्रार्थनाएं सुनना बंद कर दिया है। ये तो सही कहा तुमने नियति, अगर बप्पा ने तुम्हारी प्रार्थनाएं सुनी होती ना, तो ना तो अंबर को मारते, ना तुम्हें बर्बाद करने के लिए मुझे इस घर में भेजते। मेरी बात मानकर छोटी ने हाँ कर दी है, एक बार फिर से वो अपनी जिंदगी बसाने के लिए तैयार हो गई है। अगर उसमें हमने देर की ना, तो हो सकता है उसका इरादा बदल जाए और वो फिर से दुखों के सागर में डूब जाए। देखो, आप यहाँ वहाँ की बातें करके शुभ काम में विघ्न मत डालिए, एक बार शादी हो जाने दीजिए, फिर आप देखना आपकी छोटी फिर से मुस्कराना सीख जाएगी, और उस दिन आपको समझ में आएगा कि अपनी ही बहू का कन्यादान करके आपकी देवयानी ने कोई गलती नहीं की। और अगर ऐसा ना हुआ तो? क्यों नहीं होगा, ऐसा जरूर होगा। वैसे ये बात तुम भी अच्छी तरह से जानती हो, देवयानी के नियति के ऊपर मेरा भी कुछ हक है। देखिए, बात हक जताने की नहीं हो रही है, बात है फर्ज निभाने की, और मैं वही कर रही हूं। सिरे से शुरू करेंगे, तुम और मैं बस एक दूसरे के लिए ही जिएंगे। ये कैसी बदबू है? रोहिणी, रोहिणी! अरे ऐसे क्यों आवाज मार रहे हो, जैसे मैं दूसरे मोहल्ले में रहती हूँ। रोहिणी प्लीज मजाक मत करो, तुम्हें कुछ जलने की बू आ रही है क्या? हाँ आ तो मुझे भी रही है। क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो बेटा? माँ पता नहीं कुछ जलने की बू आ रही है। पर क्या जल रहा है? किचन से? किचन से?
ध्यान है तुम्हारा? क्या हुआ? चलो आओ मेरे साथ, आओ जल्दी आओ। अरे आकाश, तुम्हारे तो हाथ चल गए। रुको मैं अभी दवाई लेकर आती हूँ। अरे मैं एकदम ठीक हूँ। रोहिणी भाभी तो ऐसी खामखा परेशान हो रही है। ये तो छोटी सी चोट है भैया, ठीक हो जाएगी। सॉरी आकाश जी। कोई बात नहीं नियति जी, आपने जानबूझ के थोड़ी किया। लाओ मैं दवाई लगा देती हूँ। सॉरी मम्मी जी, मुझे पता ही नहीं चला। सॉरी आकाश जी। वो नियति जी, आप प्लीज बार बार मुझे सॉरी बोल के एम्बैरेस मत कीजिए, मुझे अच्छा नहीं लगता है। मैं ठीक हूँ, बस दो चार दिन में सब ठीक हो जाएगा। दूसरे बर्तन में चाय बना लेती हूँ। कोई जरूरत नहीं है, पहले तुम थोड़ा आराम कर लो, उसके बाद हम दोनों मिलकर चाय बना लेंगे। आ जाओ चलो। अभी भी वक्त है माँ, अपने फैसले के बारे में एक बार फिर से सोच लीजिए। अभी तो सिर्फ उसकी सगाई हुई है और उस बेचारी की ये हालत हो गई, और आप है कि उसकी शादी भी जल्दबाजी में कराने की ठान के रखी है। छोटी एक बात बताओ, क्या बाकी घर वालों की तरह तुम्हें भी यही लगता है कि मैं तुम्हारे साथ बहुत बड़ी ज्यादती कर रही हूँ, तुम्हारी शादी करा के तुम्हारी खुशियों का गला घोंट रही हूँ, तुम्हारी बलि चढ़ा रही हूँ? मम्मी जी ये क्या कह रही हैं? सवाल के बदले में सवाल मत करो, जो भी तुम्हारे मन में है ना साफ साफ कह दो। इसका मतलब ये सच है। मम्मी जी प्लीज। तुमने मुझसे शादी का वादा तो कर लिया लेकिन अपनी मर्जी से नहीं किया। अगर मेरा मान रखने के लिए या मेरी जान बचाने के लिए तुम आकाश के साथ शादी करोगी तो क्या मुझे खुशी होगी? नहीं छोटी, जो भी तुम्हारे मन में है ना बता दो मुझे, मगर जो भी बताना है अभी बता दो। मैं जाकर अभी उससे कह देती हूँ कि ये शादी नहीं होगी। मम्मी जी, मैं जानती हूँ आप मेरी भलाई के लिए सब कर रही हैं। वादा करती हूँ आगे से शिकायत का मौका नहीं दूंगी। तुम्हारी शिकायत तुम्हारे आंसुओं में झलक रही है, मुझे प्रॉमिस करो बेटा ये आंसू अब मुझे नहीं दिखाई देंगे। एक बार अपनी मम्मी जी पे भरोसा तो करो, फिर देख खुशियां तुम्हारे कितने करीब होंगी। माँ, वो माँ, इस शादी के लिए पंडित जी ने अगले शुक्रवार का मुहूर्त निकाला है।